सभी साथियों को जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने YouTube चैनल गोसेवा हरिद्वार पर। और अब हम जा रहे हैं बादराबाद के अंदर, जो कि धर्मनगरी हरिद्वार में एक गौ माता का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में क्या हुआ, उसकी पूरी एक साइड की पूरी बॉडी छिल चुकी है और एक साइड की आंख है जो वो पूरी बाहर आ चुकी है। दिखाएंगे आपको वीडियो में, वीडियो पर बराबर बने रहे। हमारे साथ में अंकुश भाई और हमारे साहिल भाई, भोला भाई। अब हम निकले हैं बादराबाद के लिए। जय गोपाला, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी धर्मनगरी के अंदर एक्सीडेंट होते हैं, कृपया करके अपनी वाहन को आराम से चलाएं। इन बेजुबान को भी दर्द होता है और जितने भी भाइयों से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कृपया करके आप सब उस बेजुबान की हेल्प करें, उसकी मदद करें, वहां से भागने का प्रयास ना करें। आप उसको किसी पास के चिकित्सालय में उसको पास के चिकित्सालय में भेजने की कृपा करें। और मैं इन भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर आपको जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज पहुंचे हम बादराबाद के अंदर, जो कि हमारी गोरक्षा दल हरियाणा की टीम है एक। और भाई यहां पर अपनी गोरक्षा दल सालवन, जो कि अपनी एम्बुलेंस लेकर के बादराबाद देवभूमि नगरी हरिद्वार के अंदर चलाने के लिए यहाँ पर कावड़ यात्रा लेके आए हैं। पर इमरजेंसी एक केस जो बादराबाद के अंदर आया है, सभी इन गो भक्तों के लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने तुरंत मुझे एम्बुलेंस की सेवा दी। भाई कावड़ लेके यहाँ पर आए हुए हैं और इनका अपना कैंप लगा हुआ है कहाँ पर, भीम गोड्डे के अंदर, हरिद्वार के अंदर। तो भाइयों के द्वारा जब तक भी यहाँ पर उपस्थित है, जब तक गो माता के लिए निःशुल्क सेवाएं हमें एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से गोवंश पीड़ित है, एक्सीडेंट हुआ है इसका। भाई बराबर का चैनल को सपोर्ट करते चलना इन भाइयों के लिए, गो सेवकों के लिए, गो भक्तों के लिए। जय गो माता की, सभी को जय गो माता की, जय जय श्री राम। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, बादराबाद के अंदर आज से ठीक 5-6 दिन पहले इस गो माता का एक्सीडेंट हो गया और इसकी जो है पूरी बॉडी एक तरफ से छिल गई है और इसकी आंख है जो पुतली बाहर निकल चुकी है। माता जी के द्वारा इसकी सेवा की गई है, यहाँ पर मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आइए माता जी से जानेंगे, माता जी कितने दिन इसको यहाँ पर हुए हैं? 4-5 दिन। यहाँ पर कोई डॉक्टर आया अभी तक? कोई नहीं आया, मैंने सब जगह तो बड़ी समस्या का समाधान जो हम करते हैं, ये छोटी समस्या होती है, इनका समाधान करने के लिए अभी गोरक्षा दल हरियाणा से हमारे भाई, यहाँ पर भाई का नाम अंकुश जी और भाई का नाम साहिल जी, अंकुश और साहिल जी यहाँ पर अपनी एम्बुलेंस लेके कावड़ लेके आए थे और आज इन्होंने हमें वीर भगत सिंह गोसेवा धाम में अपनी एम्बुलेंस की सेवा गौ माता के लिए दी है कि भाई जब तक भी हम हरिद्वार के अंदर है, आप हमारी एम्बुलेंस के माध्यम से रेस्क्यू करवाते रहेंगे। तो दिखाना चाहूंगा इस गोवंश की आपको पीड़ा, आप देख सकते हैं पूरा पैर, इसकी पूरी बॉडी यहाँ से आंख की पुतली पूरी खराब चुकी है। और अब हम इसको वीर भगत सिंह गोसेवा धाम में लेके जाएंगे, इसका पूरा इलाज उपचार यहीं पर किया जाएगा। और हमारे पासी के मित्र यहाँ पर पहुंच चुके हैं, गोसेवक भाई हमारे संदीप राणा जी, जो कि सरसावा से हैं और वर्तमान में इसी कॉलोनी के अंदर अपना ये रह रहे हैं। अभी गौ माता को रेस्क्यू करेंगे आपके सामने, वीडियो पर बराबर बने रहे, वीडियो को शेयर करें। जय गौ माता की। सकते हैं आप इस गोवंश को, किस प्रकार से इसका एक्सीडेंट हुआ और किस प्रकार से इसके साथ क्रूरता की गई, एक्सीडेंट करके इसको यहीं पर छोड़ दिया गया, जिसमें इसकी एक आंख चली गई और पूरे शरीर पर बहुत गहरे गहरे जख्म बन चुके हैं। अब इसको वीर भगत सिंह गो सेवा धाम में सभी गो भक्तों के द्वारा इसका इलाज उपचार किया जाएगा। हमारी एम्बुलेंस जो है हरियाणा से वो यहाँ पर आ चुकी है और गौ माता को अब सकुशल रेस्क्यू कर वीर भगत सिंह गो सेवा धाम में ले जाया जाएगा, उपचार वहीं किया जाएगा। हेलो भाइयों, अपनी वीर भगत सिंह गोसेवा धाम में एम्बुलेंस पहुंच चुकी है गौ माता को रेस्क्यू करके, वीर भगत सिंह गोसेवा धाम हरिद्वार। और देख सकते हैं आगे को लेकर बैक कर लिए भाई, देखा इस गाय को रेस्क्यू करके हम वीर भगत सिंह गोसेवा धाम में लेकर के आ चुके हैं। और वीर भगत सिंह गोसेवा धाम में सभी एक्सीडेंट पीड़ित घायल वृद्ध गौ माता है जो कि अपना जीवन यहाँ पर यापन कर रहे हैं। और हमारे बीच में यहाँ पर हमें राहुल त्यागी जी मिले हैं। राहुल त्यागी जी, जय गौ माता की। तो भाई के द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पर सेवा की जाती है और मैं आपका भाई पवन भगवा देश प्रेम में लगातार रेस्क्यू का प्रयास करता हूँ कि जो गोवंश पीड़ित हो चुके हैं उनका रेस्क्यू सही समय पर हो जाए, उनको इलाज सही समय पर मिल जाए। आराम तो ताड़ भाई, आराम तो, क्योंकि डल्ला ऊपर उठाना पड़ेगा हल्का सा। Thank you.
बहुत ज्यादा पक बन चुका है, तो हम प्रयास करेंगे इसको माता को जल्द से ठीक करने का, और लगातार जब तक ठीक नहीं होगी मैं आपका अपडेट इसको देता रहूंगा, तो जितना भी संभव होगा गौ माता के लिए कार्य करेंगे। आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बराबर बने रहे, हमारा समर्थन करते रहे, हमारा सपोर्ट करते रहे। जय गौ माता की, जय गोपाल। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता की, जय गोपाला। आप सभी ने देखा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर ट्रीटमेंट किए। लगातार ऐसे एक्सीडेंट, घायल, पीड़ित वृद्ध गोवंश हमारे पास में आते हैं, जो कि बड़ी दर्दनीय स्थिति से जूझ रहे होते हैं अपने शहर के अंदर, हरिद्वार देवभूमि के अंदर। और हम लगातार प्रयास करते हैं कि ऐसे गोवंश को गौ सेवाला में लाया जाए, उनको जितना भी संभव हो सकता है चिकित्सा दे सके। जैसे कि आपने नंदी को देखा था, इसका पूरा गला खराब हो चुका था, और अब नंदी जी पहले से स्वस्थ है, अपना यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और भी नंदी आपको दिखाऊंगा मैं आज। जैसे कि नंदी है, ये हम पैर टूटा हुआ लाए थे, अब इसका पैर ऑपरेशन कर हमें कटवाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं अपना तीन पैरों पर ये जीवन यापन कर रहा है, और ऐसी ही सेवा का लिए चलता रहेगा। जय गौ माता की, जय गोपाला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय गौ माता की, जय गोपाला।